उसके बाद चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहला सवाल क्या है? इन अ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी नहीं है यहाँ पे, हाँ ए बी सी होगा, ए बी डी नहीं होगा। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, जिसमें ए सी बी जो है वो 90 डिग्री है। अच्छा, मतलब 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी। अच्छा, ए बी सी, ठीक है। आमतौर पे नेमिंग हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे होते हैं। तो ए सी बी, ए सी बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ए बी जो है वो 30 सेंटीमीटर है, मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ए सी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, आपको क्या निकालना है? देन बी सी इज, आपको ये वाली साइड निकालनी है। देखो, सबसे पहले ज़रूरी नहीं होता कि आप ऑप्शन देखो कि कौन सा ठीक है, अभी देखो कौन सा गलत है। सी और डी हो नहीं सकते, क्यों? सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है? 30 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेन्यूज से लंबी साइड तो कोई नहीं हो सकती ना, 50 पॉसिबल नहीं है। इसी तरह डी 1300 सेंटीमीटर का जब स्क्वायर रूट लोगे वो भी 30 से अबव ही आएगा, क्योंकि 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है। तो ये आखिरी दो ऑप्शन तो ठीक नहीं है, इन्हीं में से आएगा आपके पास। बहरहाल ये मैं बता रहा हूँ जिन्होंने तुक्का लगाना है, अगर आपने तुक्का लगाना है तो ये सोच के लगा लेना, लेकिन आपको मेथड पता है सिंपल। इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आपको निकालनी है बेस। तो बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा 900, अच्छा 20 का स्क्वायर होगा 400, तो ये हो जाएगा 500। बेस स्क्वायर 500 है, बेस क्या हो जाएगी? 500 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर ना भी यूज़ करो आप बता सकते हो 22.36 है, क्योंकि 10 ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। और अगर आपने कैलकुलेटर से वेरीफाई करना है तो उस तरह भी वेरीफाई कर लो आप, ऑप्शन नंबर 22.36 ही आंसर। 2 में लिखा हुआ है साइन अल्फा गिवन है, कॉस बीटा गिवन है, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। देखो सवाल में गिवन है साइन अल्फा बराबर है √3/2, ठीक है। अल्फा किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स √3/2, और आपको पता है साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह कॉस बीटा है 1/√2, तो बीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2, और कॉस इनवर्स 1/√2 आपको पता है कॉस 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, बीटा हो जाएगा 45 डिग्री। आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हो जाएगा 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी निकाल सकते हो, या आप क्या करो पूरा साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, नहीं उस तरह नहीं निकल पाएगा, यही तरीका है इसका। 3 में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन बेस इज, आपको ट्राइंगल की बेस गिवन है √5 और एंड हाइट इज 5, हाइट जो है वो 5 है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा, बेस और हाइट क्या होती है ट्राइंगल की, ये भी देख लो भाई। जिस वाली साइड को आप बेस लेना चाह रहे हो, लेट्स से अगर आप इस साइड को बेस लेना चाह रहे हो तो ये बेस होगी, और हाइट मतलब हाइट को हम ये भी बोल सकते हैं कि आप ऑल्टीट्यूड बना दो। किस तरह? ऑपोजिट वर्टेक्स से आपने एक 90 डिग्री की लाइन गिरानी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास हाइट हो जाएगी। हाइट भी बोल सकते हो, ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। अच्छा, अगर आप बेस इसको लोगे तो ऑल्टीट्यूड आपका समवेयर इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो बेस लोगे उस हिसाब से ऑल्टीट्यूड भी लोगे। बहरहाल यहाँ पे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। हाइट और बेस गिवन है, आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो 1/2, बेस क्या है √5, हाइट क्या है 5, तो आंसर आ रहा है 5√5/2, तो 5√5/2 ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 4 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड ऑफ लेंथ 4 √3/8। एक ट्राइंगल है उसकी तीन साइड है, लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 √3/8 सेंटीमीटर। दिखने में आपको लग रहा है सबसे स्मॉलेस्ट साइड ये वाली है, क्यों? देखो 4 से जब भी √3 ग्रेटर देन 1 है, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से बड़ा नंबर ही होगा कोई, तो सबसे छोटी साइड क्या है 4। याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट साइड जो होगी उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट ही होगा। तो अगर आप ये ट्राइंगल बना रहे हो, लेट कर लो ये साइड है ए बी सी, ठीक है, तो अगर आप वर्टेक्स बनाओ ए बी सी, तो ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, तो ए है 4, बी है 4√3 और सी क्या है 8 के बराबर है, ठीक है। अब दिखने में लग रहा है सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या है, मतलब डायग्राम तो मैंने उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई, वैसे अगर आप देखो स्मॉलेस्ट साइड क्या है 4,
तो जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, मतलब अल्फा। तो इस सवाल में आपको बेसिकली अल्फा निकालना है। अल्फा किस तरह निकालोगे, आपको पता होना चाहिए कॉस अल्फा बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर टू बी सी। बी स्क्वायर आपके पास क्या है, फोर रूट थ्री, और इसका होल स्क्वायर लेना आपने, फिर है प्लस सी, सी मतलब एट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है फोर का स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई बी क्या है फोर रूट थ्री मल्टीप्लाई सी क्या है एट, तो ये आ जाए रूट थ्री ओवर टू। अच्छा कॉस अल्फा बराबर है रूट थ्री ओवर टू, तो अल्फा किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स, सॉरी आंसर जो है, आंसर मतलब रूट थ्री ओवर टू 30 के बराबर होगा। तो यहाँ पे अल्फा क्या आ गया 30 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। फाइव में लिखा हुआ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 82 डिग्री, एक एंगल जो है वो 82 डिग्री है, द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशो 2:5, जो बाकी दो एंगल हैं उनका रेशो 2:5 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल जो ट्राइंगल के है ना वो क्या है। ठीक, सवाल में गिवन है कि एक एंगल जो है वो 82 डिग्री है, ठीक है। अच्छा बाकी दो एंगल के लिए कितने डिग्री बचे हैं आपके पास, टोटल होता है 180 डिग्री माइनस 82, तो बाकी दो एंगल के लिए 98 डिग्री बचे, ठीक है। अच्छा किस रेशो में, 2:5 रेशो में, 2:5 रेशो में ऐड करो 2+5=7, इसका मतलब है टोटल 7 हिस्से कर दो इस पूरे डिग्री के ना, टोटल 7 हिस्से कर दो, 98 को 7 से डिवाइड करो 14 डिग्री आएगा, ठीक है, 7 हिस्से में डिवाइड कर दिया 14 डिग्री, तो रेशो क्या था 2:5, मतलब ये वाला एंगल को दो हिस्से मिलने हैं, 14 को 2 से डिवाइड करो 28 डिग्री, ठीक है, और इस वाले एंगल को 5 हिस्से मिलने हैं, 14 को 5 से करो तो 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा 28 डिग्री और 70 डिग्री को सिंप्लीफाई करोगे तो 2:5 ही आएगा। ये रेशो से वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो एक एंगल आ गया 28 डिग्री, एक एंगल आ गया 70 डिग्री, और एक पहली था 82 डिग्री, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 28 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सो इसमें लिखा हुआ है इफ आर इज़ द रेडियस ऑफ इन सर्किल एंड कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन। अच्छा यहाँ इन्होंने चीज़ मेंशन करना भूल गए कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर होता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना उसके अंदर रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल जो है वो 2 टाइम होता है रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर होता है, ठीक। तो यहाँ पे वर्ड मेंशन नहीं है लेकिन मेंशन होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कैपिटल आर बराबर होता है 2 आर के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसके अंदर। 7 में लिखा हुआ है इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:1:2। यार थोड़ा सा अगर आप इसको सोचोगे ना, क्योंकि सोच रहे हो थोड़ा सा कि ट्राइंगल में दो एंगल सेम है और एक एंगल उसका डबल है, दिखने में आपको लगेगा 45 डिग्री की बात की जा रही है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, अगर आप रेशो निकालो तो 1:1:2 आ रहा होगा, ठीक है, और एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जिसको हम 45-45 ट्राइंगल कहते हैं, कि दो एंगल 45 डिग्री बन रहा होता है और एक 90 डिग्री बन रहा होता है, तो ये उस ट्राइंगल की बात की जा रही है। करना क्या है इसके अंदर, देन द लार्जेस्ट एंगल इज, लार्जेस्ट एंगल क्या होगा भाई 90 डिग्री के बराबर है। 8 में लिखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 45 डिग्री। अच्छा एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप बिल्डिंग, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100, तो लेट कर लो एक बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ये पूरा 100 मीटर डिस्टेंस है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, ठीक है, तो काफ़ी इजी सवाल हो गया। अच्छा ये एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल गिवन है और बेस गिवन है आपको और परपेंडिकुलर निकालना है आपको, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक है रेशो है जो परपेंडिकुलर और बेस आता है जिसमें, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पे थीटा क्या है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हाइट जो निकालनी है, बेस क्या है 100 मीटर, ठीक है, टेंजेंट 45 1 होता है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा, इसका मतलब है हाइट भी क्या है उसकी 100 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 9 के अंदर लिखा हुआ है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 30 डिग्री है, एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है। देखो एक स्पेशल ट्राइंगल होता है, दो स्पेशल ट्राइंगल हैं आपके पास, 45, 45, 90 और एक होता है 30, 60,
90 ट्राइंगल, ठीक है। तो ये 30 60 है कि एक एंगल इसका 30 है, एक एंगल इसका 60 है और एक एंगल इसका 90 डिग्री है। अच्छा, इस ट्राइंगल की पूरी डेरिवेशन होती है जिसमें फिर हम इन तीनों साइड के रेशो निकालते हैं कि इसका होता है रूट थ्री, जो 60 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो रूट थ्री के बराबर है, हाइपोटन्यूज होता है 2 और 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इसकी भी। और जो आपके पास ट्राइंगल होता है 45 45, उसमें दोनों एंगल ये भी 1 होती है ये भी 1 होती है और जो हाइपोटन्यूज होता है वो रूट 2 के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इन्होंने बोला हुआ, अच्छा नाम दे दो कि ए पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, बी पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है और सी पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो ए बी सी, अब सवाल में उन्होंने दिया हुआ है कि ए बी जो है वो एक्स के बराबर है, ए बी जो है वो एक्स के बराबर है, बी सी जो है वो वाई के बराबर है, बी सी क्या है, हाँ ये वाई के बराबर है, देन एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो ए बी देखो किसके बराबर है, रूट थ्री के बराबर। अच्छा बी सी किसके बराबर है, दिखने में आपको लग रहा है 2 के बराबर है, मतलब लिखा हुआ जो है आपको निकालना है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर लो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर लो 4 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 3/4, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, आमतौर पर ये शायद अगर आप लोगों को भूल जाए, अगर ये याद ना हो तो इसका एक और तरीका ये भी है कि आपको ये तो याद होगा ना कि साइंस 60 डिग्री जो है वो बराबर होता है रूट 3/2 के, इतना तो आप लोगों को याद होगा। आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर सम पीपल है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आप सिंपल लिखना, ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर रूट थ्री लिख देना, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है ये 2 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको ए बी ओवर बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ए बी की भी वैल्यू मिल जाएगी रूट थ्री के बराबर, बी सी की वैल्यू मिल जाएगी 2 के बराबर। ये उस वक्त अगर आपको ये याद नहीं है, ठीक है, अगर आपको याद है तो फिर तो डायरेक्ट आपको ए बी की रूट थ्री और बी सी की 2 वैल्यू मिल जाएगी, अगर याद नहीं है तो फिर ये वैल्यू आपको याद होगी या कैलकुलेटर से निकाल लेना और यहाँ पे लिख देना और फिर आप सवाल को कैलकुलेट करना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 10 में लिखा हुआ है इफ़ एल्फा इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 20.9 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 34.7 सेंटीमीटर, देन एल्फा इस भाई एल्फा का फॉर्मूला वही रहेगा के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, ठीक है। और जो इसको आप सिंपल कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर पुट करना, कोई नई चीज़ नहीं है, जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स लेना, आपके पास एंगल आ जाएगा।